ऑफिस से आने के बाद या घूम के आने के बाद क्या आपका मन खाना बनाने के लिए करता है? तो नहीं ना, मेरा भी आज नहीं कर रहा था। तो नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा और मैं एक यूनिक रेसिपी आपके साथ लेकर आई हूँ। तो अगर आप चाहते कि इस ये रेसिपी को आप भी बनाएं तो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहे तो आपको पता चले कि इस रेसिपी की मेकिंग क्या है। तो आज हम लोग, ये मेरे घर के पास में एक मेला लगा था, तो ऑफिस से रिटर्न होते होते मैं अपनी बेटी को वहाँ ले गई थी मेले में। तो फिर उसके बाद घर पे आई तो फिर खाना तो बनाना ही है। तो अब मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ शॉर्टकट में। तो ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको आप चावल या रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक टमाटर और एक प्याज ले लेंगे और लहसुन का हम लोग पेस्ट बना लेंगे। तो और अब हम लोग जो प्याज है उसको इस कटर से ये कट कर लेंगे। ये कटर से विद इन अ सेकेंड में ही एकदम बारीकी पीसेस में हम लोग का प्याज कट हो जाता है, आलू भी कट हो जाता है। मैं तो इससे मिर्च भी कट कर लेती हूँ, टमाटर भी कट कर लेती हूँ। ये चॉपर बहुत अच्छा है, इसमें 12 पीसेस का सेट है और ये बहुत अच्छा काम करता है। तो चलिए अब इसकी मेकिंग पे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम लोग एज यूजल तेल गरम करके इसमें हम लोग दालचीनी, लौंग, छोटी वाली इलायची और गोलकी और एक तेज पत्ता, ये सब चीज़ ज़रूर डालेंगे, तभी उस ये रेसिपी में अच्छा टेस्ट आएगा। फिर उसके बाद जब ये चटकने लगे फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी सी अदरक को कूट के इसमें डालेंगे और ये सबको अच्छे से पका लेना जब तक ये मसालों का जो महक है वो उड़ के आने ना लगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो प्याज हम लोग चॉपर से काटे थे उसको इस कढ़ाई में ये डाल देंगे और इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। वैसे आप अगर थक के ऑफिस से आती हो या फिर कहीं से थक के आती हो तो आप जल्दी जल्दी में क्या बनाते हो? आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो ये देखिए, मैंने ये चना का दाल भी उबाल के रखा था तो ये अच्छी तरीके से उबल चुका है। आप इसमें 3 से 4 ये वेसल लगा सकते हैं। मैं तो ऑफिस से आने के बाद यही कोशिश करती हूँ कि कौन सा ऐसा खाना है जो बहुत कम समय में बन जाए और टेस्टी भी बने। तो ये जो रेसिपी है ये टेस्टी भी है और बहुत अच्छा भी है, मतलब आप तुरंत बना भी सकते हैं। इसमें कुछ नहीं, बस दाल चढ़ा दो और एक तरफ जैसे आप छौंक लगाते हो दाल में बस उस तरह, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम लोग को 5 मिनट और देना पड़ता है। तो देखिए, मैंने उस चॉपर से टमाटर काटी थी तो अब मेरा प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो मैं टमाटर भी अब इसमें डाल दूंगी और अब इसको भी हम लोग थोड़ा देर के लिए और पका लेंगे। अगर आपके यहाँ ऐसा कोई चॉपर अवेलेबल हो तो आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। ये चॉपर जो है बहुत टाइम सेविंग है। अगर आप कहीं काम करने जाती हो या फिर आप कोई भी हो, चाहे लड़का हो या फिर कोई ये हमारी दीदी या बहनी हो, तो वो ये यूज़ कर सकती है। इससे बहुत टाइम सेव होता है और बहुत जल्दी ही सब्ज़ी कट जाता है। अब इसमें हम लोग जो भी हम लोग के पास मसाले अवेलेबल है, पाउडर मसाले जैसे मिर्च पाउडर, देगी मिर्च और थोड़ा सा ये मेरे पास गरम मसाला था एवरेज का, वो मैंने डाल दिया है। और इसको हम लोग हल्का सा ये और भून लेंगे जब तक कि इसमें एक गोल्डन ब्राउन सा जो एक होता है मसालों का रंग ना आ जाए। और हम लोग को इसको मीडियम ही आँच पे हम लोग को भूनना है। मैं इसीलिए बोल रही थी कि आप मेरी वीडियोस पूरा देखना, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती है कि आप स्किप कर करके देखोगे तो नहीं समझ में आती है। तो ये देखिए, हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब इसमें हम लोग दाल को ऐड कर देंगे। अब दाल को भी थोड़ा सा भूज लेंगे ये मसाला के साथ कि ये अच्छे से मिल जाए। वैसे आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। और इस रेसिपी को हम लोग बोलते हैं ये तड़का, हम लोग बोलते हैं इसको। हम लोग क्या, ये बहुत फेमस है। ये जो है ये चने दाल से बनती है। आप मेरी वीडियो को अगर लास्ट तक देखिएगा तो आपका जो ये रेसिपी है वो बहुत अच्छा बनेगा, और अगर स्किप करके देखिएगा तो अच्छा नहीं, क्योंकि इस रेसिपी का किंग है ये चना दाल। चना दाल हमेशा खड़ा खड़ा रहता है और इस रेसिपी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम लोग को दाल जो है वो खड़ा ही रखना है। अब हम लोग का रेसिपी पक चुका है तो
तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो माय पेज। हर हर महादेव। थैंक यू।